जिस तरह से मोहम्मद शामी ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार हैट्रिक ली है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी तरह के परिचय की जरूरत है। ऐसा कर वो चेतन शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। मोहम्मद शामी ने इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की जगह ली थी जो इंजरी के चलते बाहर हो गए थे, पर कौन जानता था कि उनकी रिप्लेसमेंट इतिहास के पन्नों को ही बदल देगी। आज भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे पावरफुल टीम्स में से एक है, और ऐसा मुमकिन हो पाया है इन वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स की वजह से जो जिंदगी भर मेहनत और प्रैक्टिस कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की जिंदगी की कहानी शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल करा। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। मोहम्मद शामी का जन्म 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उनके पिता तौसिफ अली एक किसान थे जो कि अपने समय में खुद भी एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं। शामी की एक बहन और 3 भाई भी हैं, और वो तीनों भाई भी फास्ट बॉलर ही बनना चाहते थे। मोहम्मद शामी का क्रिकेट का सफर शुरू हुआ जब वो 15 साल के थे। उस समय उनके पिता तौसिफ अली ने अपने बेटे को गली में बॉल करते हुए देखा और वो उनकी बॉलिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस हुए। अपने बेटे को बिठाया बस में और ले गए मुरादाबाद, जहाँ शामी के पहले कोच बरुद्दीन सिद्दीकी उनका इंतजार कर रहे थे। कोच सिद्दीकी ने शामी से नेट्स में बॉल करने को कहा और उनकी बॉलिंग की पहली झलक में ही वो समझ गए कि ये लड़का अलग है। उस दिन से शामी की हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू हुई जो अगले 1 साल तक चली। कोच सिद्दीकी बताते हैं कि शामी क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने अपने पूरे साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और हर वक्त कोऑपरेट करा और जी तोड़ मेहनत भी करी। 1 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद शामी उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम के ट्रायल्स के लिए गए। वहां उन्होंने बहुत अच्छे से बॉल करी थी, पर फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोच सिद्दीकी वहां की पॉलिटिक्स से परिचित थे और इसी वजह से उन्होंने शामी के पिता को समझाया कि यहाँ पर छोटे शहर के बच्चों को मौका देने से कतराते हैं। मुझे शामी पर पूरा भरोसा है और हम अगले साल के ट्रायल्स का इंतजार करके शामी का 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। आप शामी को कोलकाता के ट्रायल्स के लिए लेकर जाओ, वहाँ क्रिकेट को लेकर बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पर शामी के टैलेंट को जरूर सेलेक्ट करा जाएगा। उनके कोच का विश्वास ही था जिस वजह से शामी कोलकाता गए और वहाँ द डलाउजी एथलेटिक क्लब की ओर से खेलने के लिए सेलेक्ट हो गए। इस क्लब की ओर से खेलते हुए ही उन्हें देवव्रत दास ने भी देखा जो कि बंगाल की क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर थे। उन्हें शामी की बॉलिंग बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने क्लब की टीम के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया, जहां उन्हें 75,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। शामी के पास उस वक्त बंगाल में रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी और इसीलिए देवव्रता ने उन्हें अपने घर में रहने दिया। शामी ने उनके क्लब के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पर फिर भी वो पहले अटेम्प्ट में अंडर-22 की टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद देवव्रता सेलेक्टर्स के पास गए और उनसे कहा कि वो शामी की बॉलिंग के ट्रायल फिर से लें और उसकी बॉलिंग टेक्निक को गौर से ऑब्जर्व करें। इसके बाद शामी ने फिर से ट्रायल दिए और इस बार वो बंगाल अंडर-22 की टीम के लिए सेलेक्ट हो गए। जब देवव्रता दास से शामी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शामी को कभी भी पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो विकेट चाहिए थी। जो बोल्ड होने पर विकेट से आवाज आती है वो उस आवाज के लिए जीता था। क्रिकेट का जुनून उसके सर पर चढ़ गया था और उन दिनों वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जीता था। जिसका खेल के लिए जुनून इतना ज्यादा हो भला वो सफल कैसे ना होता। इसके बाद एक बार शामी को मौका मिला कि वो सौरव गांगुली को बोल कर सके। सौरव गांगुली को शामी की गेंदबाजी बहुत पसंद आई और उन्होंने खुद जाकर सिलेक्टर से कहा कि इस लड़के का सिलेक्शंस में स्पेशल ध्यान रखना। गांगुली जैसे बड़े खिलाड़ी अगर किसी खिलाड़ी के बारे में इतना कह दें, मतलब उसमें जरूर कुछ अलग ही बात होगी। यहीं से शामी बंगाल की रणजी टीम के लिए भी सिलेक्ट हो गए। शामी ने 2010 में अपना डोमेस्टिक डेब्यू करा और शुरुआत से ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करा, जिसके चलते वो 2 साल बाद 2012 में इंडिया ए की टीम के लिए सेलेक्ट हो गए। 2011 में जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी तब शामी ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए वो भी एक बार इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। 2012 में ही एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हुए शामी ने मध्य प्रदेश की टीम के खिलाफ एक हैट्रिक ली थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें इंडिया टीम के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया जब इंडिया पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज खेल रही थी। मोहम्मद शामी ने उस सीरीज में अशोक डंडा को रिप्लेस करा था। 6 जनवरी 2013 को शामी ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला जिसमें उन्होंने 23 रन देकर एक विकेट भी ली। इस डेब्यू के बाद से ही मोहम्मद शामी इंडिया टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं। यहीं से वो अपने इंटरनेशनल करियर को इस स्तर पर ले गए कि उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर इंडिया टीम के लिए एक शानदार हैट्रिक ली और इंडिया टीम की जीत की ओर बहुत बड़ा योगदान करा। उनके आईपीएल करियर की बात करी जाए तो दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम के लिए खरीद लिया था
जहां रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें पर्सनली ट्रेन करा। इसके कुछ वर्षों के बाद 2019 आईपीएल के लिए उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ज्वाइन करी। ये तो था उनका क्रिकेट करियर। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उन्होंने हसीन जहां से शादी करी, जिन्होंने शादी के कुछ सालों के बाद 9 मार्च 2018 को शामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आरोप लगाए गए। हसीन ने शामी के खिलाफ मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया, जिस कारण एक बार को शामी का करियर दांव पर लग गया था। इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर जांच बिठाई, जिसके बाद पता चला कि शामी ने कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं करी थी। बीसीसीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने वापस टीम इंडिया ज्वाइन कर ली और अभी वो 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया की ओर से शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 1983 और 2011 की तरह ही इंडिया इस साल भी वर्ल्ड कप हमारे देश के लिए लेकर आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और खिलाड़ी के ऊपर भी ऐसी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।